खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। कोरिया जिले के पौड़ी थाना के अंतर्गत नागपुर हर्रा का एक युवक मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब की तस्करी कार में रखकर कर रहा था, जिसको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। आपको बता दें कि अवैध नशीले पदार्थों पर कार्यवाही करते हुए थाना पौड़ी प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी विजय शंकर साव उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मुखबिर की सूचना पर नागपुर के रहने वाले एक युवक को कार में 60 पाव अंग्रेजी शराब रखकर मध्य प्रदेश सीमा की ओर से आ रहे युवक को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। थाना प्रभारी पौड़ी गिरजा शंकर साव ने बताया कि श्रीमान एसपी महोदय जिला कोरिया एडिशनल एसपी एवं सीएसपी चिरमिरी सर के निर्देशन में अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में हमको कल मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अभिषेक मिश्रा अपनी मारुति कार में लगभग में सूचना मिली कि कुछ मात्रा में राजनगर की ओर से शराब जो है नागपुर क्षेत्र की ओर ला रहा है। मुखबिर सूचना पर घेराबंदी की गई एवं मौके पर उसके कार से 60 पाव अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। उसके साथ में सर कोई साथी और थे कि अकेले ही थे वो? इस दौरान वो अकेला था, अभिषेक मिश्रा अकेला था और उसकी गाड़ी के पिछले सीट से बरामद हुआ था। तो सर इनपे कौन कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है? आबकारी एक्ट अधिनियम के 34(2) के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। कोरिया पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह के मार्गदर्शन में अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए और मुखबिर की सूचना पर ऐसी कार्यवाही अनवरत जारी रहेगी, ताकि समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। कोरिया से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।